वाओ, देखते ही देखते 2024 आने को है। कैन यू इमेजिन, एक पूरा साल बीत गया और ऐसा लग रहा था अभी तो शुरू हुआ था। आई मीन इन माय माइंड मुझे अभी भी लगता है कि हम साल के मध्य में पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, इट इज दिसंबर, और वो भी दिसंबर के सेकेंड हाफ में पहुंच ही चुके हैं। तो ऐसे में 2023 के बारे में कुछ चर्चा तो होनी चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ ईयर फिल्ड विद गुड न्यूज, बैड न्यूज, फन न्यूज एंड एक्साइटिंग न्यूज। तो 2023 वैसे रहा बहुत से स्टार किड्स के नाम भी। जी हाँ, न्यू बॉर्न बेबीज जिन्होंने आकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में ढेर सारी किलकारियां भर दी। साल 2023 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों के लिए लकी साबित हुआ। इस साल कई सितारों ने पेरेंट्सहुड का स्वागत किया और इस लिस्ट में आपके फेवरेट सितारे भी शामिल हैं। और आज सास बहू और साजिश आपको इन स्टार्स के यादगार पलों को याद दिलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गौहर खान की। मई को गौहर खान ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वहीं जैद और गौहर ने मिलकर अपने बेबी बॉय का नाम जेहान रखा है। हालांकि इन्होंने अभी तक अपने बेटे के चेहरे को रिवील नहीं किया है। टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका कक्कर इब्राहिम की, जिन्होंने 21 जून को अपने बेटे रुहान को जन्म दिया। वहीं बेटे के जन्म के तुरंत बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में सब ठीक रहा और अब शोएब और दीपिका अपने बेटे की छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है वत्सल सेठ और इशिता दत्ता का। शादी के 6 साल बाद 19 जुलाई को इशिता ने बेटे को जन्म दिया, जिसकी खबर दोनों ने एक फैमिली पिक्चर खींच सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दिशा परमार और राहुल वैद्य के लिए भी ये साल काफी यादगार रहा, क्योंकि 20 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन इनके घर लक्ष्मी का जन्म हुआ। वहीं राहुल और दिशा ने अपनी लाडली का नाम नव्या वैद्य रखा है। इस लिस्ट में नेहा मर्दा का भी नाम शामिल है। शादी के 11 साल बाद कोलकाता में 7 अप्रैल को उन्होंने बेटी को जन्म दिया। प्रेगनेंसी फेज के आखिरी दिनों में उन्हें काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था। जन्म के बाद बेबी को आईसीयू में भर्ती भी कराया गया था, क्योंकि उनकी डिलीवरी प्रीमेच्योर हुई थी।
हालांकि इसके बाद सब कुछ ठीक रहा और उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनाया रखा है। अब बात करते हैं देवों के देव महादेव का किरदार निभाने वाले मोहित रैना की। मोहित की पत्नी अदिति ने 17 मार्च को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। वैसे मोहित ने अपनी बेटी की अब तक कोई भी झलक शेयर नहीं की है। जब वो 3 महीने की हुई तब उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी। इस साल गौतम रोड़े और पंखुड़ी अवस्थी के घर डबल खुशियां आई क्योंकि 25 जुलाई को उन्होंने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया। वहीं गौतम और पंखुड़ी ने अपनी बेटी का नाम राध्या रखा है और अपने बेटे का नाम रादित्य रोड़े रखा है। गुम है किसी के प्यार में फेम तन्वी ठक्कर और आदित्य कपाड़िया 19 जून को पेरेंट्स बने थे। तन्वी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया और इन्होंने अपने लिटिल मंचकिन का नाम कृषय कपाड़िया रखा है। अब बात करते हैं भाभी जी घर पर हैं कि गोरी मैम यानी कि विदिशा श्रीवास्तव की, जिन्होंने इस साल 11 जुलाई को बेटी को जन्म दिया। वैसे आपको बता दें प्रेगनेंसी के फेज में भी वो काफी काम कर रही थी और जब उन्होंने छुट्टी भी ली थी तो उन्होंने शो की 6 महीने की शूटिंग पहले से ही कर रखी थी। अब बात करते हैं इमली स्टार करण वोरा की। शादी के 11 साल बाद करण की पत्नी बेला ने 16 जून को 2 बेटों को जन्म दिया। वहीं इसी के साथ उनके घर में दुगनी खुशियां आई और अब इन्होंने अपने बच्चों का नाम आर्यवीर और आकाशवीर रखा है। नाम दू फेम वरुण सोपती और उनकी पत्नी पश्मीन ने 26 अप्रैल को अपने घर बेटे का स्वागत किया। वैसे अभी तक वरुण ने इसकी कोई भी जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की है। बात करें आशका गरोड़िया और ब्रांड ग्लोब की तो इन्होंने 27 अक्टूबर को अपने बेबी बॉय का स्वागत किया। दोनों ने अपने बेटे के साथ एक पिक्चर शेयर की और अपने बेटे के नाम को रिवील किया। आशका और ब्रेंट ने अपने बेबी बॉय का नाम विलियम अलेक्जेंडर रखा है तो वहीं दोनों प्यार से उसे एलेक्स बुलाया करते हैं। इस साल लव बर्ड्स रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने 18 दिसंबर को जुड़वा बच्चियों का स्वागत किया। हालांकि अभी तक दोनों ही स्टार्स ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है लेकिन सास बहू और साजिश के सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली कि माँ और बच्चियाँ दोनों ही स्वस्थ हैं और घर वापस आ चुकी हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में ये साल इन सितारों की जिंदगी का खास साल रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल के साथ साथ सभी के जीवन में और भी खुशियां बनी रहें और हम भी आपको यूं ही एंटरटेन करते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
छोटे पर्दे में आपको याद होगा कि अपनी पलकी ने, कुंडली की पलकी ने पहनी थी वो लाइटिंग वाली ड्रेस। वेल, मुझे तो लगता है ये लाइटिंग वाली ड्रेस का ना ट्रेंड चल गया है। अच्छी बात है, घर में लाइट जाएगी, कम से कम आप चमक के सबको रोशनी रोशनी देंगे। अब किसने पहनी? अमृता ने। क्रिसमस ट्री। लाइटिंग को अगर हसीनाओं के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाए तो भाई ऐसे में आप सबको ना एक घर की सजावट में लाइटिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब आपको लगेगा कि ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। अब सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमृता खुद कह रही है कि मैं चलता फिरता क्रिसमस ट्री हूँ। मैं आईफिल टावर बनी हूँ। क्रिसमस ट्री यस, क्योंकि दिसंबर है तो लॉट लाइक क्रिसमस, तो इसलिए उस पे लाइटें लगा दी। बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत मेहनत की है टीम ने ये ड्रेस बनाने में और ये लाइटों को ऑन करने में। I'm inspired by current से inspired हूँ मैं। एंड कुछ नहीं, थोड़ा यूनिक सा ब्लेजर है, पहली बार पहना मैंने ऐसा कुछ। एंड और हाँ, अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है पर थोड़ा हैवी है ड्रेस तो मुझे जरा दिक्कत है। या बार बार पहनना उतारना बहुत टफ है यार, कितना मुश्किल है। आई थिंक 8-9 किलो का है। आई डोंट नो कितने किलो का, बैटरीज है एक्चुअली इसमें जो हैवी है, बाकी तो सही है, क्या ही कर सकते हैं। बट क्योंकि सीक्वेंस इंटरेस्टिंग बनाता है। अब अमृता ने जो गाउन पहना है देखिए उसमें किस कदर मिर्ची लाइट्स लगी है। अब ये उनके गाउन को खूबसूरत बनाने का जरिया था या फिर पार्टी में उनका मजाक उड़ाना था, इस बात को तो विराट ही अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि इस पार्टी में विराट ने ये कपड़े अमृता को गिफ्ट किए हैं। अब ये तो स्टाइल वाली बात थी, कहानी पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं जहाँ पर राजीव की धमकियों से अब अमृता डरने वाली नहीं है। हाँ, मैंने उसे बोला है कि मैं उससे डरूंगी नहीं और मैं उसे सबक सिखाऊंगी, तो मजा आया मुझे वो सीन करने में। रोके में तो राजीव, आपको याद होगा ना अमृता ने कितना बड़ा हंगामा कर दिया था। और अब आप इस पार्टी में जब दहेज की मांग कर रही हैं और बाकी के टेंट्रम्स भी दिखा रही हैं तो ऐसे में अमृता चुप नहीं बैठेगी और अब तो उसे विराट भी समझने लग गया है। तो शायद अब हमें ऐसा लगता है कि आपको ना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा वरना कहीं इस शादी होने से पहले ही आपका पत्ता साफ ना हो जाए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ठंड के मौसम में जब ये सर्दी की धूप निकलती है ना, वाह, इसका आनंद लेने का अपना ही मजा होता है। लेकिन क्या है ना कि लाइफ में कई बार इतनी भागम दौड़ मची हुई होती है कि आप ऐसे खूबसूरत पलों का मजा ही नहीं ले पाते। अब दुआ और हैदर की ही बात कर लेते हैं, इनको फिलहाल अपनी लाइफ ट्रैक पर लानी है तो ये पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास IVF के जरिए अपने भविष्य को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वहां पर आ पहुंची है गजल भी, एंड यू नो ना, जब भी गजल आती है तो साथ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है। सर, आपका टेस्ट करना है, आप मेरे साथ कौन? और मैं आपने बुर्का क्यों पहना है? आज से पहले तो आपको कभी बुर्के में नहीं देखा मैंने। आप अपना प्रोसीजर शुरू कीजिए, वैसे भी वक्त हमारे पास बहुत कम है। आप दुआ अख्तर ही है ना या कोई और? आप
हैदर और दुआ के जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। दोनों के घर में जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। एक ओर जहां पूरा परिवार शादी के जश्न में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ये दोनों नए मेहमान के आने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दुआ और हैदर मम्मी पापा बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात भला गजल को कैसे हजम हो जाती, तभी तो देखिए ना कैसे वो इनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो इनके प्लानिंग को फेल करने की पूरी तैयारी कर रही है। हॉस्पिटल में आने का ये मतलब है कि दुआ और हैदर बच्चा प्लान कर रहे हैं। बस उसकी तहकीकात है और उसी के अराउंड है जो गजल ने प्लान किया है कि वो कैसे उनका बच्चा नहीं होने देगी या कुछ भी, मतलब जो भी होगा, बट हाँ इसी के अराउंड प्लान कर रही है वो कुछ। एक और जहां हैदर और दुआ अपने टेस्ट की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गजल अपनी प्लानिंग को कामयाब करने में लग जाती है। तभी तो देखिए ना कैसे वो बुरके की आड़ में दुआ बनकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। वो वही कि IVF के थ्रू वो बच्चा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही वो पता करने की कोशिश कर रही है पूरा कि कैसे है क्या है। तो वो दुआ को ही बताएगी ना उसकी रिपोर्ट्स के बारे में या उसका सारा जो भी चल रहा है। तो इसीलिए गजल जो है वो दुआ की तरह बनकर आई है, मतलब बोल रही है दुआ है, तभी वो ये सब बुरका बुरका पहन के। गजल अच्छे से जानती है कि अगर दुआ हैदर के बच्चे की माँ बन गई, तो उसका पत्ता हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। और इसीलिए वो टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा गोलमाल करने की तैयारी में है कि हैदर के बच्चे की माँ दुआ ना बनकर वो खुद बन जाए। पता नहीं, देखो आएंगे तो, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट भी है, मेरी भी है, दोनों तीनों लोगों की साथ में अपॉइंटमेंट है, तो देखते हैं, वो देख लेंगे पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी, उसके लिए तो आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। वेल, गजल की माया तो गजल ही जाने, क्योंकि टीवी सीरियल में कुछ भी इतनी आसानी से कहां होता है। बस फिर क्या है, यहां भी गजल अपने ड्रामे का तड़का लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, या फिर हैदर और दुआ के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। खैर, कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखने वाली बात होगी। दुआ तेरी है ना यार, कोई और? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बड़े पर्दे की दुनिया में जब भी आप साड़ी की बात करते हैं तो रेखा जी की छवि सामने आ जाती है। ठीक वैसे ही छोटे पर्दे में सुधा चंद्रन जी की छवि सामने आती है। साड़ियों को वो इतने प्यार से और इतने मन से पहनती हैं कि वो जब साड़ी पहनकर निकलती है ना, तो सब कहते हैं वाओ। तो आज तो है ही इंटरनेशनल डे ऑफ द साड़ी, तो हमने सोचा कि क्यों ना सुधा चंद्रन से मुलाकात की जाए। ना सिर्फ ये आपको अपनी पर्सनल साड़ी कलेक्शन दिखाएंगी, लेकिन साथ ही साड़ियां आजकल करंट वो कौन सी पहन रही है उसके बारे में भी बताएंगी। मैं हूं सुधा चंद्रन। जी हाँ, आपकी अपनी कैलाशी देवी, कैलाशी ठकुराइन। हाल फिलहाल जो सीरियल मैं कर रही हूँ डोरी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी साड़ियाँ मैं पहनती हूँ, बनारसी साड़ियाँ। एंड हियर कुछ कलेक्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रॉपर बनारसी साड़ीज। एक ये बहुत ही कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट है, आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। एक भारतीय नारी की पहचान उसकी साड़ी है। जैसे कैलाशी ठकुराइन हमेशा डोरी सीरियल में कहती है, आदमी की पहचान उसकी गाड़ी से है और एक औरत की पहचान उसकी साड़ी से।
फैन हूँ रेखा जी की, और हमेशा मैंने रेखा जी को देखा है कि वो हमेशा कांचीपुरम साड़ी ही पहनती है और फंक्शंस में वो हमेशा स्टैंड आउट करती है। और चूंकि मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ, आई बिलोंग टू अ वेरी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली, तो मैं कांचीपुरम साड़ीज को बहुत बहुत पसंद करती हूँ। कांचीपुरम, पोचमपल्ली, जैसे आंध्रा की साड़ियाँ है, कर्नाटका की साड़ियाँ है, कोसा सिल्क्स है, ये सब मुझे बहुत पसंद है। एंड आई ऑल्सो लव अ लॉट ऑफ कॉटन साड़ीज ऑल्सो। आपने मेरे किरदार में ज़रूर देखा होगा कि मैं स्टाइलिंग कभी एक जैसी नहीं रखती। जैसे इसमें भी अगर आप डोरी में भी देखेंगे तो प्लेन साड़ी के साथ आई टेकन अ स्ट्रोल अ स्टॉल, बट उस साड़ी को भी हमने पीछे से प्लेट करके उसको मैंने यहाँ टक इन किया है। और पहली बार इसमें प्रिंटेड के साथ मैंने प्रिंटेड ब्लाउजेस पहने हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्रिंटेड साड़ी में प्लेन ब्लाउजेस पहनते हैं, बट थैंक्स टू अनु एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ कलर्स एंड आवर प्रोड्यूसर्स जय मेहता एंड केनरे जी, उन्होंने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। जिस क्षेत्र के किसी भी प्रांत में मैं जाऊँ, सबसे पहले मैं उतर के जाऊँगी शॉपिंग, क्योंकि वहाँ की साड़ियाँ मैं लेकर आऊँगी। यहाँ तक कि जब मैं शिरडी गई थी, शिरडी में जाके मैंने साड़ियों की शॉपिंग की है। मैंने आपसे कहा था ना कि साड़ियों से मुझे कितना लगाव है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे कमरे में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें लगाई है, और हर तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ बनारसी साड़ियाँ ही आपको दिखेंगी। तो हमने आपसे कहा था ना कि साड़ियाँ मींस अ लॉट टू मी, बहुत ही स्पेशल है। जितना आप सुधा चंद्रन से प्यार करते हैं, उतना ही सुधा चंद्रन अपनी साड़ियों से प्यार करती है। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी वर्ल्ड साड़ी डे। ABP News, आपको रखे आगे। सीरियल बातें कुछ अनकहीं में वंदना और कुणाल की शादी तारा की वजह से हुई है, ये हर कोई जानता है। लेकिन भैया, ये घर वाले कहाँ गए? आई मीन, नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा है और घर वाले नदारद है, मतलब कि गृह प्रवेश भी ये छोटी सी बच्ची करा रही है। बेटी का बंधन इतना अटूट होता है कि इस रिश्ते के आगे किसी और रिश्तों की जरूरत नहीं। आज तारा और वंदना के रिश्ते ने एक मिसाल कायम कर दी है, क्योंकि वंदना और कुणाल की शादी तो हो गई, लेकिन सोनिया को बचाने के चक्कर में कुणाल एंड फैमिली सभी वहां मसरूफ हो गए, जिसके चलते सभी भूल जाते हैं कि वंदना का गृह प्रवेश भी करना है। पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन तारा अपनी माँ वंदना का साथ कैसे छोड़ सकती है? तारा उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन आज उसने जो किया है वो उसे बहुत बड़ा बनाती है। गृह प्रवेश की सारी रस्म तारा अदा करती है। जैसे ही शादी हुई और हमारा बंधन टूट गया, क्योंकि सोनिया को बचाने के लिए कुणाल भाग गया, तो उस मोमेंट पे सब इतने पैनिक हो गए और सबका ध्यान सोनिया की तरफ है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वंदना का गृह प्रवेश नहीं हुआ है। वहाँ आती है तारा कि मम्मा, मैं आपका गृह प्रवेश करवाऊं। क्योंकि वंदना तो दुल्हन बनकर खुद अभी नई नई घर में आई है, ऐसे में उसका स्वागत करने के लिए सिवाय तारा के कोई नहीं है। तारा अपने नन्हे हाथों से वंदना की आरती करती है
और जब घर में प्रवेश करने की बारी आती है तब वंदना तारा से कहती है कि उसे वंदना की एक बात माननी पड़ेगी। वो ये है कि गृह प्रवेश दोनों साथ करेंगे, क्योंकि गृह प्रवेश की रस्म में दो लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। प्रवेश करती है तो मुझे लगता है ये माँ बेटी का जो रिश्ता है ये तारा और वंदना बहुत अच्छे से मेंटेन रखेंगे और बहुत प्यारा रिश्ता बनेगा। उनका धन्यवाद कर रहे हैं। वंदना ने कुणाल से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि तारा को माँ मिल जाए, जिसका मकसद अब पूरा हो गया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं झनक की। इनकी लाइफ में झनक के अलावा ना सब कुछ है, बल्कि कहना चाहिए तमाशा है, कूट कूट कर भरा हुआ है, हर कोने में हर मोड़ पर मिल जाता है। अब आशी की बर्थडे पार्टी है और उसमें भी झनक का राज खुलने वाला है। चेहरे पर है मायूसी, आंखें हैं नम और आज कहीं खोई खोई सी लग रही है झनक। भाई एक तरफ पूरा बॉस परिवार सज धज कर अपनी होने वाली बहू अर्शी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इस मायूसी चेहरे झनक को कोई देख नहीं रहा है। भाई आज झनक का भी जन्मदिन है और उसे किसी ने भी विश तक नहीं किया। अपनी इस मायूसी चेहरे को लेकर झनक भी अर्शी का बर्थडे मनाने में जुट गई, लेकिन तभी अब्बू आ जाती है और इस मायूस से चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करती है। लेकिन अब्बू भी नाकामयाब होती है। भाई तभी कश्मीर से झनक के लिए एक कॉल आता है और वह कॉल किसी और का नहीं, झनक के एक फ्रेंड का होता है जो झनक को बर्थडे विश कर रहा है। तभी पीछे से अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि आज झनक का भी जन्मदिन है और अनिरुद्ध बड़े ही दुविधा में फंस गए हैं। एक तरफ मंगेतर का बर्थडे तो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी झनक का बर्थडे तो उनको याद ही नहीं रहा। अभी किसी का बर्थडे होंगे, इंडिया में कितने सारे लोग हैं जिनका अर्शी के बर्थडे के साथ डेट मैच हो सकता है, तो होंगे बर्थडे, बहुत ओके। वेरी बेड अनुरोध, आपको अपनी बीवी का बर्थडे तक याद नहीं रहा। चलो आपको अभी पता चल गया है कि झनक का भी जन्मदिन आज है, तो बड़ी धूमधाम से कीजिएगा, लेकिन घर वालों से छुप छुपा कर और खास कर अर्शी से। अगर अर्शी को पता चल गया तो आपकी खैर नहीं, अर्शी नाम का बम जो फटेगा शायद ही भगवान भी आपको बचा सके। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। इस छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल बातें कुछ अनकही और परिणीति 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर तीन तीन सीरियल्स ने जगह बनाई है, पंड्या स्टोर, तेरी मेरी डोरिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इन तीनों सीरियल्स ने 1.9 की टीआरपी बटोरी है।
नंबर 3 पर शिव शक्ति के तप त्याग तांडव ये शो पहुंचा है 2.8 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर फाइनली अब अनुपमा पहुंच गई है। इसमें अनुपमा का साथ दे रही है इमली और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ये 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में ये 2.5 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं कुड़ी पंजाब दी। नाना अपने बारे में बात नहीं कर रही। आई नो मैं भी पंजाब दी हूं लेकिन नहीं बाबा हम सीरियल की बात कर रहे हैं। यहाँ हीर की शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है गुरुद्वारे में, अनफॉर्चुनेटली उसके रांझे के आंखों के सामने। मोहब्बत करना आसान है पर निभाना मुश्किल, लेकिन आशिकी का एक लेवल अब पार करने वाला है क्योंकि आज उसकी हीर की शादी कुलदीप से हो रही है, वो भी उसकी नजरों के सामने। भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रांझा का दिल इतना मजबूत है कि बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने खामोशी से हीर को अपने से जुदा होता हुआ देख रहा है। मजबूरी ये है कि अगर कुलदीप से मेरी शादी हो जाती है तो आरके हवेली हमें हवेली के पेपर्स हमें दे देंगी, हमारी हवेली वापस हमारी मतलब पापा जी की हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, मुझे कुलदीप से ब्याह करना पड़ रहा है। प्यार का दर्द कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है, लेकिन रांझा और हीर जो दर्द सह रहे हैं इसकी कोई मिसाल नहीं है। पंजाबी रीति रिवाज के साथ हीर की शादी हो रही है कुलदीप से, लेकिन हीर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके चेहरे पर बिखरे हुए आंसू बता रहे हैं कि ये शादी मजबूरी से हो रही है न कि खुशी से, जिसके कारण ही तो वो रांझा से दूर हुई, क्योंकि ये सब किया कराया है जर्नेल का जो खुद भी शादी में शामिल हुआ है। ऐसे काफी सारे बिछड़ने के शॉर्ट्स दिखाए हैं, बिकॉज शादी के बाद चीजें बदल जाती है, दोस्ती और शायद फर्क पड़ जाता है, सो इसीलिए बिछड़ने के शॉट दिखाए हैं। एंड वो हम दोनों के आंखों में एक अनकहा प्यार है जो हम दिखा रहे हैं। दुनिया रांझा का प्यार नहीं समझ सकती, इसलिए दुनिया एक तरफ चली गई और आशिक रांझा तन्हा रह गया। लेकिन जाते जाते हीर का पलटना इस बात की गवाही देता है कि हीर के दिल में रांझा के अलावा कोई नहीं हो सकता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। पहुंच गई है एक बार फिर से जेल में। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी नई बात है। अब है नई बात, तभी तो आपको बता रही हैं, क्योंकि इस बार जेल की हवालात खाने पहुंचा है प्रीता का अपना बेटा शौर्य, जो कि ड्रग्स केस में अंदर हो चुका है। अब टीवी पर इस खबर ने इतनी सुर्खियां बटोर ली कि देखिए प्रीता खुद को रोक ही नहीं पाई जेल में आने से। वो यहाँ पर आ तो गई है, पुलिस वाले से वो बातें कर रही है कि मुझे प्लीज मिलने दो, मैं शौर्य की माँ हूँ। अब इसे कहती है डेस्टिनी। तो घर पे बैठे थे और अचानक से हमने ये न्यूज़ देखा कि शौर्य ड्रग्स के केस में अंदर हो गया है, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा पैनिक है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौर्य बदमाश है, ठीक है, वो राजवीर को तंग भी करता है, लेकिन इस हद तक तो वो नहीं जाएगा। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आए हैं उसे जेल में मिलने और उसे यहाँ से छुड़ाने के लिए। रिश्ते में ये माँ और बेटे तो हैं, लेकिन एक दूसरे के रिश्ते से अनजान है। बेटा जब मुसीबत में आया तो माँ को इस बात का एहसास हुआ, फिलहाल प्रीता के लिए आसान नहीं होगा शौर्य से मिलना, क्योंकि शौर्य ड्रग्स के केस में रंगे हाथ पकड़ा गया है। देखते हैं अब एक माँ की दुहाई क्या पुलिस वाले को पिघला सकती है। उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ, और अभी उसने ये बात मेरी कसम खाकर कही। माँ को बच्चे से दूर कोई भी नहीं रख सकता, भगवान भी नहीं रख सकता, तो मैं तो क्या ही करूँगी उसमें। क्योंकि आपको लग ही रहा होगा कि प्रीता जानती है, उसे ऐसा लगता है कि शौर्य उसका बेटा नहीं है, लेकिन एक माँ, उसने कहा ना कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे मिलूँगी, तो कहीं ना कहीं वो भी महसूस करती है इस चीज़ को, और मैं तो किसी भी माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती। अब प्रीता आई है तो यकीनन पीछे पीछे बाकी के घर वाले भी आएंगे, और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि प्रीता और करण नहीं मिल पाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज के एपिसोड का नाम एक्चुअली होना चाहिए था शादी के साइड इफेक्ट्स, क्योंकि भैया हर दूसरी स्टोरी में शादी और शादी में होने वाला ड्रामा। तो अब चलिए चलते हैं परिणीति के सेट पर। अब ये तो बता ही दिया था आपको कल हमने कि नीति जो है वो फैंसी ड्रेस में ड्रेसअप हो गए, मतलब भेष बदल कर पहुंच गई थी परी और राजीव के संगीत में। अब भैया जब आप संगीत में गई हैं रूप बदल कर, तो रंग में तो भंग डालेंगी ही ना। भला संगीत चल रहा था, लेकिन नीति को कौन समझाए। राजीव और परी का संगीत बर्बाद करने के लिए उसने आग लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। जिस कमरे में उसने आग लगाई वहाँ पर ताई जी और परी दोनों फंस गई, और दूसरे कमरे में खुद नीति फंस गई। जैसी दिख रही है वैसा ही वो काम करने वाली है। कैसे दिख रही हूँ मैं? फायर। ओह माय गॉड।
फायर लग रही, फायर दिख रही है और फायर लग, समझे क्या फायर है मैं फायर है मैं हाँ तो हाँ आग, अभी इन्होंने कोई चारा छोड़ा नहीं ना मेरे पास, अब ये इतनी जल्दी जो मूव ऑन हो चुका है अभी मेरे से सहन नहीं हो रहा ये तुम्हारे पास। हाँ तो एक बार और आ जाते, नीति का ये मानना है एक बार और आ जाता मैं मान जाती, तो नहीं आया और ये खुशी खुशी सारे रिचुअल्स हो रहे हैं और हंस रहे हैं खेल रहे हैं और बिल्कुल ही भूल गए हैं, तो फिर मुझे ऐसा थोड़ा ऐसा सा तो नहीं है। क्यों ऐसा ही है, अब नीति ने जानबूझकर ऐसा किया होगा फिर राजीव का ध्यान भटकाने के लिए कि अगर मैं आग में फंसूंगी तो मुझे पहले बचाया जाएगा और नीति आग में फंसेगी वो चीखती चिल्लाती रहेगी, उसे बचाने के लिए तो कोई आएगा ही नहीं। हमें लगता है नीति का कुछ ऐसा ही प्लान था। अब परी और ताई जी दोनों ही फंस गए हैं, परी ने देखिए कैसे अपनी जान पर खेलकर ताई जी को बचाया और अब क्या करेगी वो। नीति ने बाहर फुल आग वाग लगा दी है और आयरन ये हो जाती कि वो आग में वो भी फंस जाती है, बट मैं बहुत फंस चुकी हूँ यहाँ पे एंड समहाउ आई मैनेज टू कम आउट ऑफ माई रूम एंड सेव एंड मैं आके मतलब ऑब्वियसली बाहर आके मैं ताई जी को बचाने की कोशिश करी और मैं और ताई जी हम दोनों फंस जाते हैं। देन फाइनली आई हेल्प ताई जी टू एस्केप फ्रॉम हियर एंड मैं फंस जाती हूँ फिर से। राजीव तो यहाँ नीति को बचाने में बिजी है, अब छोटे पर्दे की बहू रानी है वो किसी के बचाव की मोहताज नहीं है, परी खुद ही अपना रास्ता निकालेगी। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या ये आग कैसे लगी इसका पता किसी को चलेगा या फिर इस बार भी नीति हल्दी के फंक्शन में जैसे बच गई थी वैसे बच जाएगी। अब जब तक नीति का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक वो कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहेगी जिसके चलते राजीव और परी की शादी ना हो, क्योंकि वो जानती है कि अगर एक बार दोनों की शादी हो गई तो इस घर से उसका पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। अब नीति को कौन समझाए कि खुद परी ही नहीं चाहती है कि ये शादी हो। देखते हैं कि शादी के मंडप में दुल्हन बनकर कौन बैठता है, परी या नीति। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हीरो हीरोइन के बीच में प्यार हो ना हो, इनकी शादी हो चुकी हो लेकिन इनके में शादी वाला कोई रिलेशनशिप हो ना हो, लेकिन नाच गाना तो होना ही चाहिए। बस यही सब देखकर तो हमें भी पूछने का मन करता है कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। जश्नबाजी की शाम है वो भी पोदार हाउस में, क्योंकि आज अरमान अबीरा रोहित और रूही की शादी का रिसेप्शन जो है जिसके लिए सभी सच सवर कर महफिल में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसे में नाच गाना तो बनता है, क्योंकि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नाच गाना की धूम हमेशा रहती है। अरमान अबीरा के साथ सुर ताल मिलाकर डांस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूही के सुर रोहित से नहीं मिल रहे, जिसकी झलक आप देख सकते हैं कि रूही की निगाहें बस अरमान पर टिकी हुई है। रिसेप्शन की सेरेमनी है और यहाँ पे अलग अलग थोड़े अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन होते हैं, तो अलग अलग जगह आपको ड्रामा थोड़ी सी तकरार देखने को मिलेगी फैमिली के साथ एंड अदरवाइज भी गोएंकाज भी आए हैं। एक डांस है जो हमें करना पड़ता है कपल्स को दोनों कपल्स को, तो वो डांस भी होता है किसी तरह से
हम कन्विंस नहीं है, मैं, अरमान, रूही, हम लोग कन्विंस नहीं है, लेकिन हम किसी तरह खुद को समझा के कि ठीक है अब रिसेप्शन है, सबको प्यार से यू नो इम्प्रेस करने के लिए ठीक है कर लेते हैं। बहुत लड़ झगड़ के मेरे से मेरी बात ना मान के अपनी ही मर्ज़ी के कपड़े पहन के नीचे आ गई है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन स्टिल जो कि दादी साहब को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, दादी साहब को बिल्कुल भी उसके कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दादी को उसकी हर हरकत सही लगे, लेकिन वो कभी ना कभी हर बार उल्टी हरकत कर देती है और मेरी वाट लग जाती है। अबीरा तो अपने पहाड़ी लुक में खूब जच रही है, और सिर्फ अबीरा ही नहीं, हर किसी का कॉस्ट्यूम बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसी कारण पर्दे के पीछे खूब सेल्फी ली जा रही है। खैर, ऑर्डर मिलते ही फिर अबीरा, अरमान, रूही और रोहित ने थिरकना शुरू कर दिया। रूही का दर्द अरमान को लेकर इतना छलक गया कि वो महफिल से भागना चाहती थी, क्योंकि वो अरमान को किसी और के साथ नहीं देख सकती। फिर क्या, रूही तो भागी लेकिन खुद को जख्मी कर बैठी। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्यों गए, मतलब हम डांस कर रहे थे, ख़त्म होने ही वाला था और फिर कुछ ऐसा हो जाता है, बट मैं भी उनको एक्चुअली लग जाती हूँ और मैं कंसर्न हूँ उनके लिए, रूही के लिए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको हेल्प पहुँचा सकूँ, उनको मरहम पट्टी पहुँचा सकूँ, तो किसी ना किसी तरह उन तक पहुँच जाती है, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुँच पाती। हम डांस करते हैं, डांस करते हैं, डांस के वक्त रूही को चोट लग जाती है, तो रूही को जब चोट लगती है तो अरमान भाग के जाता है, तड़प उठता है कि हाँ ये लड़की है वो जिसे मैंने प्यार किया है, इसको चोट लगी है, वो देख ही नहीं पाता, तो वो सबके सामने उसको फर्स्ट एड लगाना शुरू करता है, उसको उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। रूही के पैरों पर चोट लगने के बाद तो सबसे पहले अरमान भागा और रूही के पैरों की जांच पड़ताल करने लगा। अब भाई ये डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, रूही के पुराने आशिक तो हैं, तो इन्हें भी दर्द होगा ही, लेकिन ये क्या, रोहित तो सिर्फ मुंह देखता रह गया। भाई अपनी पत्नी के लिए खुद दौड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उनके बड़े भैया अरमान दौड़े और अरमान ने झटपट रूही के पैरों पर स्प्रे मारा ताकि दर्द कम हो सके, क्योंकि उसे भी अब पता चल चुका है कि रूही उससे नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है। रूही अपनी बड़ी नानी से बात कर रही है कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो इंटीमेसी दिखी इससे पहले वाले सीन में, तो बड़ी नानी थोड़ा डांट रही है कि तू क्या कर रही है, कंट्रोल कर अपने आप को, तो वो बोल रही है कि मैं प्यार करती हूँ अरमान से, प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, और उतने में मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होता हूँ और मेरा तो एकदम दिल ही टूट जाता है। अब आएगा मजा, क्योंकि रोहित को सच पता चल गया है और देखना होगा कि अब कैसे रोहित अपने भाई और रूही के साथ रिएक्ट करता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।